प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। झारखंड में कोरोना बेकाबू हो गया है। हर दिन मरीजों की संख्या नए रिकॉर्ड बना रही है। सूबे में बीते 24 घंटे में 435 नए मरीज मिले हैं। केवल राजधानी रांची में ही कोरोना के 106 मरीज मिले हैं। इस दौरान 6 लोगों की मौत हो गई। झारखंड में अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 65 हो गई है। झारखंड में अब तक 6,256 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 2,944 लोग ठीक हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 3,251 है। जमशेदपुर के TMH में भर्ती 4 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। धनबाद और रांची में भी एक एक कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। इसी बीच हजारीबाग और रांची से एक एक कोरोना मरीजों के फरार होने की खबरें हैं। इस बीच झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और राज्य के पूर्व नगर विकास मंत्री CP सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके खुद इस बात की जानकारी दी। उन्होंने उन सभी लोगों से टेस्ट कराने की अपील की है जो बीते कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे प्रशासन को उन लोगों की लिस्ट उपलब्ध करवा देंगे जो उनके संपर्क में आए हैं। जानकारी मिली है कि CP सिंह को उनके भाई के जरिए कोरोना हुआ। दूसरी ओर कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए मंत्री मिथिलेश ठाकुर और उनकी बेटी ठीक हो गए हैं। मिथिलेश ठाकुर को रिम्स से छुट्टी दे दी गई। मिथिलेश ठाकुर के साथ विधायक मथुरा महतो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद से ही पूरा CMO क्वारंटीन हो गया था। CM हेमंत सोरेन सहित उनके पूरे परिवार का कोरोना टेस्ट हुआ था। रिपोर्ट निगेटिव आई थी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। झारखंड और बिहार समेत देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।